की नहर, नहर है जन्नत में, नहर है गड्ढे में नहीं बहेगी, ऊपर बहेंगी, ऊपर नारी ही की दीवार होगी। चाहे इधर से पी ले, चाहे इधर से पी ले, खड़े खड़े पी ले, मुंह लगा कर पी ले, बेहतरीन नहर है जन्नत की। सारी चीजें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा। एक मौलाना अब्बास फरमा रहे थे और इस जन्नत के नहरों का तस्करा किया कि दूध की, शहद की और शराब की, बेहतरीन पानी की। तो एक साहब ने कह दिया, मौलाना साहब चाय की नहर नहीं होगी क्या? चाय के आदि रहे होंगे, चाय के रसिया रहे होंगे, चाय की नहर नहीं होगी। मौलाना साहब भी बड़े हाजिर जवाब थे, उन्होंने कहा चाय नहर में होगी तो ठंडी हो जाएगी, चाय बड़े बड़े ड्रामों में, बड़े बड़े बर्तनों में रखी रहेगी। बहरहाल ये तो लतीफा है। मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की सैर कर रहे थे, महल्ला देख रहे थे, देखते देखते एक शानदार महल नजर आया, बेहतरीन महल, सोने और चांदी की दीवारें हैं, याकूत रुमान और जमुरद जड़े हुए हैं और हूरें वहां तशरीफ फरमा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील से पूछा, अरे जिब्रील ये किसका महल है? तो रसूल पाक हजरत जिब्रील कहते हैं ये आपके उम्मती हजरत उमर का महल है, हजरत उमर का। ये हजरत उमर दुनिया में है, टाट और बोरिया पहन रहे हैं, जमीन पर सो रहे हैं और माशा अल्लाह उनका जन्नत में मकान बनकर तैयार है, जन्नत में उनका मकान। ये है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाकीज़ा बना देना। कहां से कहां पहुंचा दिया वो उमर, जो ऊंट भी कायदे से चरा नहीं पाते थे, आज जन्नत के अंदर उनके जाने से पहले उनका महल बनकर तैयार हो गया। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से तशरीफ लाए, सारे सहाबा मिलने गए, हजरत उमर भी गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से कहा, उमर मैं जन्नत में आपका महल देख कर आया, जन्नत में आपका महल देख, आपकी हूरें बैठी हुई थी, इसलिए मैं गैरत की वजह से करीब नहीं गया, दूर ही से देख कर आया। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए, हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए, अल्लाह आपसे क्या गैरत। बहरहाल मैं ये बता रहा हूँ कि कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए हुजूर की दूसरी सिफत बयान की गई, युज़क्कीहिम, लोगों को पाकीज़ा बनाते हैं। और तीसरी सिफत है कि युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, लोगों को कुरान सिखाते हैं और हदीसें सिखाते हैं। कितनी खसूसियत, पहली कुरान की तिलावत करते हैं, दूसरी सिफत लोगों को पाकीज़ा बनाते हैं, तीसरी सिफत लोगों को कुरान का माना और मतलब बतलाते हैं, चौथी सिफत हिकमत की तारीफ इमाम मालिक और बड़े बड़े उलमा ने यही किया है, हदीस और कुरान के बाद चूंकि हदीस ही का नंबर होता है, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, इस करीने से लोग कहते हैं कि हिकमत से मुराद हदीसें। तो अब बताइए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चार सिफत है, चार खुसूसियत है, लोगों को कुरान का माना भी हुजूर बतलाते हैं। याद रखिए, अल्लाह तबारक ताला जब कुरान उतारता है और जिब्रील हुजूर के सीने पर नाजिल करते हैं तो अल्लाह ही की तरफ से उसका माना और मतलब भी उतारा जाता है, अल्लाह ही की तरफ से। आदमी खुद से अगर मतलब समझेगा तो उससे गलती हो जाएगी, वही मतलब सही होगा जो हदीसों में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। इसीलिए कहा जाता है कुरान की, कुरान के बाद बेहतरीन तफसीर हदीसें हैं, बेहतरीन तफसीर हदीसें हैं, हदीस से बढ़कर कुरान की कोई तफसीर नहीं होती। जो लोग मुनकरीन हदीस हैं, हदीस नहीं मानते, वो नाक रगड़ रगड़ कर मर जाए, वो कुरान नहीं समझ सकते, कुरान समझ ही नहीं सकते। इसलिए कि कुरान के समझने का जीना है। अभी खुद अल्लाह ताला फरमाते हैं, वअंजलना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिन लिन्नास, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आप पर कुरान उतारा ताकि आप लोगों को बयान कर दें, समझा दें। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, बहुत से लोग आजकल हमारे यहाँ एक नया फितना पैदा हो गया, बंगला में देखकर कुरान समझ जाएंगे, बंगला में देखकर हदीस समझ जाएंगे, बंगला में देखकर हदीस समझ जाएंगे, बंगला में देखकर कुरान समझ जाएंगे, उर्दू में देख कर समझ जाएंगे। दोस्तों कयामत तक उर्दू में न हदीस समझ सकता है न कुरान समझ सकता है, जब तक ये अरबी न सीखे, मदरसों में न दाखिला ले, सर्फ न बलागत और जो है वो सारे के सारे उलूम न हो सर्फ, जो कुरान के सीखने के लिए जरूरी होते हैं, जब तक वो उलूम नहीं सीखेगा कुरान समझ ही नहीं सकता। एक सहाबी हैं हजरत अदी इब्ने हातिम, कुरान करीम की जब ये आयत उतरी, आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया, जी है
رمضان کے بارے میں کلو وشربو کھاتے پیتے رہو حتی یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود من الفجر, کھاتے رہو رمضان میں, کھاتے رہو رات میں, دن میں نہیں رات میں رمضان کی, یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا رات کے سیاہ دھاگے سے الگ ہو. جانتے ہیں قرآن کے استعارے اور کنائے کی زبان ہے, سفید دھاگے سے مراد ہے صبح صادق جو پھیلی ہوئی ہوتی ہے, اور سیاہ دھاگے سے مراد ہے صبح کاذب وہ بھی پھیلی ہوئی ہوتی ہے. جب تک صبح کاذب ہے آدمی کھا سکتا ہے, اور جب صبح کاذب ختم ہو کر صبح صادق آ جائے گی تو اب روزے دار کو کھانا پینا بند کر دینا ہے. تو دیکھیے سفید دھاگے سے مراد رات ہے, سیاہ جو ہے صبح صادق ہے, اور سیاہ دھاگے سے مراد صبح کاذب ہے رات ہے. لیکن صحابی حضرت عدی بن حاتم انہوں نے سوچا میں تو عربی جانتا ہوں, اس آیت کا مطلب انہوں نے سمجھ لیا, سیاہ دھاگے سے سیاہ دھاگا اور سفید دھاگے سے سفید دھاگا سمجھا, اور بازار سے گئے ایک کالا دھاگا اور ایک سفید دھاگا خرید کر لے آئے اور تکیے کے نیچے رکھ دیا, اور رات میں اٹھا اٹھا کر دیکھتے تھے, جب تک دونوں دھاگا ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتا تھا کھاتے رہتے تھے, کھاتے رہتے تھے. دوستو اگر بجلی نہ ہو, بجلی نہ ہو تو فجر بعد بھی دونوں نظر نہیں آئیں گے. اور دار العلوم دیوبند کے ایک سیٹ کا کمرہ ہو تو سہر بعد بھی نظر نہیں آئیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی کو طلب کیا اور کہا عدی تیرا تکیہ کتنا بڑا ہو گیا کہ اس میں رات اور دن سما گئے. ارے اللہ کے بندے سیاہ دھاگے سے مراد سیاہ دھاگا نہیں ہے صبح کاذب ہے, اور سفید دھاگے سے مراد صبح صادق ہے, تیرے تکیے کے اندر رات اور دن سما گئے. یہ واقعہ سنا کر میں بتانا چاہتا ہوں وہ صحابی ہیں, عربی داں ہیں, حضور کے صحبت یافتہ ہیں, بہت ساری آیتیں حضور سے سیکھی ہیں, ایک آیت حضور سے نہیں سیکھا تو غلط سمجھ گئے, غلط سمجھ گئے. اب بتائیے وہ لوگ جو عربی بالکل نہیں جانتے, قرآن حدیث بالکل نہیں جانتے, بتلائیے وہ کس طرح سے قرآن کریم کو سمجھ سکتے ہیں. اس لیے فرمایا یعلمہم الکتاب, حضور ان کو قرآن سکھاتے ہیں, حضور ان کو قرآن سکھاتے ہیں, یعلمہم الکتاب والحکمہ اور حدیثیں سکھاتے ہیں. دیکھیے اس آیت میں حضور کی چار پہچان بتلائی گئی ہے, مجھے جو بتلانا ہے বেশি বিলম্ব করে দেওয়া হয়, তখন কোন